हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से चर्चा की। अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन मंगलवार को दुर्ग के राजीव भवन पहुंचे। उन्होंने जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर विशेष चर्चा की और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को यात्रा के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जन जन तक पहुंचाने की आग्रह यहां किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक बद्रुद्दीन कुरैशी, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष और साथ ही पदाधिकारी और संगठन से जुड़े कार्यकर्ता शामिल रहे। अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरा जिला मुख्यालय पे, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पे मैं दौरा कर रहा हूँ और ये 22वां जिला है। चूँकि अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना है, प्रदेश पदाधिकारी को नियुक्ति करना है और आगामी चुनाव को 2023 के चुनाव को देखते हुए अल्पसंख्यक विभाग का ब्लॉक स्तर पे, बूथ स्तर पे हमारी टीम गठित हो, ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है। सब बिल्कुल तैयारी चल रही है, हमारी प्रभारी शैलेजा जी आ रही हैं और 26 तारीख को हम लोगों की यात्रा सभी ब्लॉक लेवल पर जारी हो रही है। देखिए मैं सभी, आज 22वां जिला है मेरा और जिस तरीके से लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, पहली बार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री मिला है और जिस तरीके से किसानों के काम हो रहे हैं, जिस तरीके से युवा, अभी तक देखिए युवाओं का जो खेल हो रहा है राजीव युवा मितान क्लब की तरफ से, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। किसानों का कर्ज माफ़ हो रहा है, कहाँ किस मुँह से बात करते हैं चंदन जी, तो पहले जवाब दें कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उनके लड़के के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा है, पहले तो वो जवाब दें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।